Students, welcome to Easy Biology Tutorials. And our today's topic is phylum Chordata. So far, we have completed all the phylums of the animal kingdom, non-chordata classification. Non-chordata classification में हमने porifera से लेके hemichordata तक सारे phylums के characteristics को पढ़ लिया था. आज हम शुरू करने जा रहे हैं phylum Chordata. So let us start. Phylum Chordata includes animals with notochord, dorsal tubular nerve cord and pharyngeal gill slits. Phylum Chordata में जो भी animals हमारे included हैं, इनमें तीन चीजें तो पक्का ही present हैं. The first one is the notochord, then is the tubular nerve cord, and then is pharyngeal gill slits. हमने क्या देखा था? Hemichordata जो phylum था, उसमें भी pharyngeal gill slits present थे. इसीलिए उसको Hemichordata बोला गया था, क्योंकि उसको उसमें chordate-like features present थे. लेकिन phylum Chordata के अंदर हमें तीन चीजें तो पक्का मिलेंगी ही मिलेंगी. The first thing is the notochord. Next one is the dorsal tubular nerve cord. And third is the pharyngeal gill slits. Notochord is a flexible rod located in the mid-dorsal line between alimentary canal and the nerve cord in the embryo. अब जो phylum Chordata है, phylum Chordata के अंदर embryonal stage में जितने भी कॉर्डेटन्स है, बेसिकली जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स जब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में होते हैं तो पहले क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट. यू कैन सी दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, दिस वन पार्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड दिस वन पार्ट इज द डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. वी कैन सी डॉर्सल बेसिकली कौन सी साइड होती है, वेंट्रल साइड जो होती है, दैट इज द साइड फेसिंग द फ्लोर. जैसे कि अगर आप एक लिजर्ड को इमेजिन करोगे तो लिजर्ड की जो साइड है फेस करी है फ्लोर को, वो कौन सी है, वो वेंट्रल साइड है. एंड उससे ऑपोजिट वाली साइड क्या, कौन सी साइड है, डॉर्सल साइड. मैं आपको इस एग्जाम्पल के बेस पे दिखा देती हूँ. एज यू कैन सी दिस ऑर्गेनिज्म, जिस साइड पे इसके पैर है, लिम्स है बेसिकली, वो साइड क्या है, इसकी वेंट्रल साइड है. एंड द ऑपोजिट साइड इज द डॉर्सल साइड. वेंट्रल साइड वाली, वेंट्रल वाली साइड पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, डॉर्सल वाली साइड पे हमारे पास नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है. एंड दैट नर्व कॉर्ड इज द हॉलो नर्व कॉर्ड बेसिकली. एंड इन बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द हॉलो नर्व कॉर्ड वी हैव this notochord, and notochord is present in the embryonal stage. Now notochord is found in the embryonic stage, and in non-chordates this notochord is absent. Basically jo notochord hai that is found in the embryonic stage of the chordates. And in non-chordates, that nerve cord is, that notochord is absent. Central nervous system is dorsal. हमेशा chordates में central nervous system है, जो जो dorsal double nerve cord है, that is dorsal. वो हमेशा dorsal होती है. Non-chordates में हमेशा solid, double, and it is ventral. Solid, double, and ventral. In our case, this nerve cord is hollow. Hollow from inside. Hollow from inside means it is having a cavity and it is single. The pharyngeal gill slits are present. Gill slits, हमारा जो pharynx है, pharynx के अंदर gill slits like organs हैं, gills like organs हैं, जिनको gill slits बोला जाता है. And this one is a characteristic feature of phylum chordates. And this gill slits, these gill slits are basically absent in non-chordates. Heart जो है,
कॉर्डेट्स के अंदर वेंट्रल होता है, वेंट्रल मतलब जहां पे एलिमेंट्री कैनाल होता है उस वाली साइड पे वेंट्रल, नॉट द टुवर्ड्स द वर्टेब्रल कॉलम. जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें जो हार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड. अब हमने पढ़ा है कि नॉन कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है. अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल वाली साइड पे प्रेजेंट होगा. और ऑफ कोर्स नॉन कॉर्डेट्स में जो भी हार्ट प्रेजेंट है दैट इज ऑफ कोर्स वेरी प्रिमिटिव प्रिमिटिव टाइप का हार्ट है एंड इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एज इफ इन कॉर्डेटा. जितना कॉर्डेटा में एडवांस्ड हार्ट पाया जाता है वैसा कोई भी हार्ट नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नहीं पाया जाता. Now, a tail is present in chordates and in non-chordates that is absent. तो ये tail की जो बात है, अगर आप कहोगे कि human beings में कोई tail नहीं होती है, human beings में embryonal stage में tail present होती है, and that is the at the posterior side of the body. Posterior side is known as the post-anal side of the body. Towards the posterior side, the tail is present and this tail is absent in non-chordates. अब आपको पता चल गया होगा कि non-chordates and chordates में basic difference क्या है. And जितने भी macro animals हमें देखने को मिलते हैं, macro मतलब बड़े, वो सारे chordates ही हैं approximately. And non-chordata के अंदर हमारे सारे sponges से लेके सारे hemichordates तक, tongue worms तक तो सारे phylums included हैं. These are non-chordates. These are having no kind of notochord, no kind of proper developed heart. Okay, there are three subphylum of the phylum Chordata. Phylum से नीचे जो हमारी classification में आती है that is the subphylum. As you remember, keep pot clean. Class से ऊपर और phylum से नीचे हम सब phylum को use करते हैं. So the phylum Chordata is divided into three subphylums, and these subphylums are Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Urochordata are the primitive chordates. Cephalochordata are the chordates that are having a head. Cephalo word is used for head. And phylum vertebrata में जो notochord है basically that is converted into the vertebral column. So first of all, let us read about the subphylum Urochordata. Notochord is present in only larval tail. Body is covered by test and made up of tunicin. These organisms are exclusively marine. देखो हमने क्या पढ़ा है कि नोटो जो कॉर्डेट्स हैं बेसिकली कॉर्डेट्स के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जिनमें एम्ब्रियोनल स्टेज में या लाइफ की किसी भी स्टेज में एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. तो यूरोकॉर्डेटा आर द कॉर्डेट्स, दे आर बेसिकली प्रिमिटिव एंड इनमें क्या है, इनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज. ये नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट होती है एंड वो भी टेल रीजन में. बॉडी इज कवर्ड ऑफ टेस्ट एंड मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन. इनकी जो बॉडी कवरिंग है बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन. इसके जो बॉडी कवर को टेस्ट बोलते हैं एंड मटेरियल जो है ट्यूनिसिन का फॉर्म्ड है. नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं. इसकी एग्जांपल है एस्कीडिया,
Selpa, Doliolum, etc. As you can see, these kinds of organisms, these are urochordates. Inko chordates kyun bola gaya? Because they are having pharyngeal gill slits, they are having dorsal hollow nerve cord, and in the stage of life, any stage of life mein kahin pe bhi agar notochord present hai, to wo kya hai? Chordates hai. In the case of these organisms, notochord is present in the larval tail. Now, let us discuss about the subphylum Cephalochordata. Cephalochordata ko Cephalochordata first of all kyun bola jata hai? Because notochord is present from head to tail region and is persistent throughout the life. The notochord is persistent throughout the life. Only larval stage mein present nahi hai. It is present, it is persistent throughout the life. Inki jo body hai basically, that is fish-like body and it is exclusively marine organism. Of course, inki body bhi jo hai, that is a fish-like body. But in mein urochordates mein kya tha ki sirf larval tail mein notochord present thi. In these organisms, in the subphylum Cephalochordata, the notochord is present from head to tail region. These organisms are having fish-like body and they are exclusively marine. The sexes are separate. In the case of urochordates, humne dekha tha ki jo sexes the, basically the organisms were hermaphrodite. But in this case, the organisms are dioecious. Dioecious means two different organisms for male and female. The example for this is Branchiostoma, Amphioxus or Lancelet. Iska dusra common name hai. This example is very important kyunki ye example bahut baar question mein pucha jata hai. What are the characteristics of Branchiostoma? Branchiostoma is a chordate, why or why not? ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा आपको याद रखना है इज अ कॉर्डेट एंड वो सिफेलोकॉर्डेट है. यूरोकॉर्डेट से कैसे डिफरेंट है? यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड थी, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल. बट इन द केस ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में हेड से लेके टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड है एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ. As we can see their structure, it is a fish-like organism, Amphioxus. Iska dusra naam kya hai? Lancelet, because of its lancelet-like shape. And agar hum internal structure dekhe, we can see there is the nerve cord. Nerve cord is the dorsal. Then there is notochord. Notochord is present in between the alimentary canal and the nerve cord. And then we have the alimentary canal. Alimentary canal kahan se shuru hota hai? यहां से लेके एनस तक, माउथ से एनस तक. ओके, सो लेट अस गो फर्दर. अब आ गया हमारा सबफाइलम वर्टेब्रेटा. सबफाइलम वर्टेब्रेटा में हम सारे वर्टेब्रेट्स को पढ़ने वाले हैं. जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है. दैट स्केलेटन मे बी अ बोनी स्केलेटन और द कार्टिलेजनस स्केलेटन. हो सकता है स्केलेटन पूरा बोन्स का बना हो, हो सकता है वो कार्टिलेज का बना हो. सो लेट अस रीड अबाउट दिस इन डिटेल. व्हाट इज वर्टेब्रेटा? सिफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स से डिफरेंट क्यों है वर्टेब्रेट्स? पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड. देखो, इनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड. यूरोकॉर्डेट्स में लार्वल स्टेज में प्रेजेंट था, सिफेलोकॉर्डेट्स में ऑल ओवर द लाइफ प्रेजेंट था, नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट था. नोटोकॉर्ड था वो किसी भी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था. द नेक्स्ट थिंग इज दैट नोटोकॉर्ड किसी और चीज में नहीं कन्वर्ट हो रहा था
And the subphylum urochordates as well as cephalochordates, they both are found only in the marine habitat. ये terrestrial भी नहीं है, aquatic भी नहीं है, तो हमें कहीं भी आम देखने को नहीं मिलते, but only found in the marine habitat. Now, in this case of phylum vertebrata, subphylum vertebrata, basically जो notochord है, that is present inside the embryological stage, and this notochord is then converted into cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Adult stage में आके जो हमारा notochord है, that is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. Cartilaginous or bony vertebral column in an adult. The heart is of course ventral and is formed of cardiac muscles. Muscular heart है and it is present on the ventral side of the body. Again समझा दूँ आपको, इस diagram की help से दोबारा से देख लेते हैं. This side flooring facing the floor जो side है, that is the ventral side. The upper side is the dorsal side. जहां वाली साइड पे माउथ प्रेजेंट है, दैट साइड इज द एंटीरियर साइड. एंड जो वाली साइड पे ऑपोजिट टू माउथ, बेसिकली जहां पे एनस प्रेजेंट होता है, दैट साइड इज द पोस्टीरियर साइड. ओके, और अगर आप इमेजिन करके देखो दैट ये टाइगर है, टाइगर की जो साइड फेसिंग द फ्लोर है, दैट इज द वेंट्रल साइड. ऑपोजिट टू द फेसिंग फ्लोर इज द डॉर्सल साइड. जहां पे उसका माउथ है, दैट इज द एंटीरियर साइड. एंड जहां पे उसकी टेल है, दैट इज द पोस्टीरियर साइड. ओके, जहां पे माउथ है, दैट इज द एंटीरियर साइड. एंड जहां पे टेल है, दैट इज द पोस्टीरियर साइड. नाउ अगर हम टाइगर को वर्टिकली खड़ा करके देखें, तो वी कैन सी जहां वाली साइड उसके आर्म्स प्रेजेंट है, दैट साइड इज द वेंट्रल साइड. इफ यू कैन इमेजिन अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग भी ऐसे ही होगा. दिस इज द ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है. यहाँ पे उसके हाथ और पैर प्रेजेंट है एम्ब्रियो के. दिस साइड इज द वेंट्रल साइड, जिस वाली साइड पे हमारे लिम्स अटैच्ड हैं, दिस साइड इज द वेंट्रल साइड. एंड जहां पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, दैट साइड इज द डॉर्सल साइड. ये आपको याद रखना है इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि बाकी एनिमल्स के केस में आप याद रख लोगे जो उनकी बॉडी का पार्ट फेस कर रहा है फ्लोर को, दैट इज द वेंट्रल साइड. एंड जो बॉडी का पार्ट वेंट्रल से ऑपोजिट है, दैट इज द डॉर्सल साइड, है ना. बट ह्यूमन बीइंग्स में आप याद रखना कि जिस वाली साइड पे हमारा स्टमक प्रेजेंट है, that is the ventral side, and जिस वाली साइड पे हमारे vertebral column present है, that side is the dorsal side. Mouth वाली साइड है, face वाली साइड है, that is the anterior side, and opposite to face, anus वाली साइड है, that is the posterior side. Okay? ये basically चीजें आपको dissection करने के time पे काम आएंगी, जब आप human being की dissection करोगे. Whenever you'll क्रॉस द 12th क्लास, एंड 12th के बाद आप कहीं भी मेडिकल कॉलेज में या नर्सिंग में या किसी भी फील्ड में जा रहे हो जहां पे आपको ह्यूमन डाइसेक्शन करने की जरूरत पड़ रही है. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वेंट्रल मस्क्युलर हार्ट. हार्ट इज मस्क्युलर एंड इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड. किडनीज आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स और लिम्ब्स. अपेंडेजेस क्या होते हैं? बॉडी के ऊपर appendages लगे हुए हैं, लाइक लिम्स या फिन्स. फिन्स और लिम्स आर बेसिकली appendages, एंड दीज आर पेयर्ड. वी आर हैविंग टू आर्म्स एज वेल एज टू लेग्स. वैसे ही फिश इज हैविंग फोर फिन्स बेसिकली. डायनासोर के पास भी टू आर्म्स एंड टू लेग्स थे. टू आर्म्स नहीं कह सकते, वी कैन से टू फोर लिम्स, टू हाइंड लिम्स. दीज आर appendages एंड दीज आर पेयर्ड. Now, subphylum vertebrata की आगे जाके हम क्लासिफिकेशन को समझ के देखते हैं.
Vertebrata is divided into two parts basically. The first one is anatha. Anatha means jawless vertebrates. जिसमें कोई jaws नहीं होते हैं. No jaws means mouth के अंदर कोई भी jaw नहीं present है. उनका जो mouth है that is basically of sucking type. And then is nathostoma. यहाँ पे a natha है and nathostoma. The g is silent while pronunciation. A natha are the animals that are jawless and nathostoma are the animals that bears jaws. उसके बाद a natha के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास है, that is cyclostoma. You have to make a chart of this thing and you have to remember this thing. Nathostoma के अंदर हमारे दो super classes आ रहे हैं. The first one is bearing fins and the next one is bearing limbs. जो bearing fins हैं उसमें fishes आ जाती हैं हमारी सारी, and जो bearing limbs हैं उसमें हमारे सारे vertebrates आ जाते हैं. So, see, vertebrata, सबसे पहले तो vertebrates दो classes में divided हैं, jawless and jawed. Jawless का नाम है agnatha and jawed का नाम है gnathostoma. Nathostoma, basically G is silent. Then anatha is having only one class and that is a cyclostoma. Cyclostoma, okay? Cyclostomata. उसके बाद है हमारे पास nathostoma. Nathostoma की दो classes हैं, pisces. Pisces means fishes and tetrapods means bearing limbs. जिसमें हमारे amphibians, reptiles, birds and mammals आते हैं, ठीक है? And fishes, fishes means pisces. They are again of two types. The cartilaginous fishes, जिनके पास किसी भी टाइप की बोन नहीं होती है, बट दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज. द होल बॉडी स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेजनस फिशेस को कॉन्ड्रिथाइज बोला जाता है एंड बोनी फिशेस को ऑस्टिथाइज बोला जाता है. सुपर क्लास टेट्रापोडा इज Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia. Tetrapoda के अंदर चार classes आ रही हैं हमारी, Amphibians, Reptiles, Aves and Mammals. Okay students, तो मैं आपको यहाँ पे whiteboard के through आपको दोबारा से ये समझा देती हूँ सारी classes. देखो, बेसिकली वी हैव डन कॉर्डेट. कॉर्डेट्स क्या है? ये फाइलम है. कौन से किंगडम के अंदर आ रहा है? ये आ रहा है हमारे एनिमल किंगडम के अंदर. देन द कॉर्डेट्स आर हैविंग टू सब फाइलम्स. या कॉर्डेट्स आर हैविंग बेसिकली थ्री सब फाइलम. द फर्स्ट वन इज Urochordates, then is the cephalochordates, and then are vertebrates. Urochordates are the organisms जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ओनली इन द लार्वल स्टेज. लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एंड ओनली इन द लार्वल टेल. दीज आर यूरोकॉर्डेट्स. सिफेलोकॉर्डेट्स के केस में हेड से लेके टेल तक जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सटेंड कर रहा है एंड दिस नोटोकॉर्ड स्टेज लाइफ लॉन्ग. वर्टिब्रेट्स में क्या है? नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनल स्टेज में प्रेजेंट है ना, उसके बाद किसी भी वर्टिब्रल कॉलम में आइदर बोनी और कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है. दीज बोथ फाइलम्स आर मरीन. ये दोनों फाइलम्स हैं जो दे आर मरीन इन हैबिटेट.
नाउ इसको कर देते हैं हम क्लियर. एंड लेट अस रीड अबाउट वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रेट इज अ सब फाइलम. सब फाइलम के बाद हमारे पास क्या आएगी? सुपर क्लास. वर्टिब्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ए नेथा एंड नेथोस्टॉम्स, मींस जॉड एंड जॉलेस. जॉलेस पहले आएंगे सबसे पहले, एंड उसके बाद आएंगे हमारे जॉड. जॉड वर्टिब्रेट्स. जॉलेस वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है, एंड दैट इज ऑफ साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा एंड जॉड में हमारे पास फर्दर दो सुपर क्लासेस आ रही हैं, द पाइसेस एंड द टेट्रोपॉड्स. द पाइसेस एंड द टेट्रोपॉड्स. अगर हम पाइसेस को पी करके लिखते हैं, एंड टेट्रोपॉड्स को हम लिखते हैं, सारे टेट्रोपॉड्स को हम लिख देते हैं इन अ सीक्वेंस, ए आर ए एम, दैट इज अ सीक्वेंस परम. वो सारे हमारे जो जॉड वर्टिब्रेट्स होते हैं दे आर परम. Pisces, amphibians, reptiles, aves and mammals. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो. बट Pisces क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं. फर्दर Pisces कैन बी फिशेस, कैन बी कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिथाइज एंड ऑस्टिथाइज. एंड जो हमारे जॉड ऑर्गेनिजम्स हैं, टेट्रोपॉड्स हैं, दे कैन बी amphibians, reptiles, aves as well as mammals. So let me write this for you further. Pisces जो होते हैं हमारे दो types के होते हैं, and tetrapods जो होते हैं हमारे, let me erase this for you. ये तो आपको just एक sequence याद करवाने के लिए किया था मैंने. जो हमारे Pisces होते हैं, they are of two types and and